जंक्शनाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर चेयरमैन ओटेरवा कम्युनिटीज ट्रस्ट ऑफ न्यूजीलैंड मिस हुमा यूनस ने 2 मई से 18 मई तक पाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अपने ट्रस्ट की जानिब से पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब में वाकिया मसीही गांव जंक्शनाबाद में कायम वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के खसूसी तौर पर दौरा जात किए। 8 मई 2022 को जंक्शनाबाद में ट्रस्ट की जानिब से मुनक्दा तकरीब में मुतअद्दिद मसीही अफराद में अंजील मुकद्दस बतौर तोहफा तकसीम की गई। 14 मई को चेयरमैन ओटेरवा कम्युनिटीज ट्रस्ट मिस हुमा यूनस ने जारी प्रोजेक्ट के तहत सिलाई कढ़ाई सीखने वाली लड़कियों को सिख गुरु नानक जी के जन्म स्थान गुरुद्वारा ननकाना साहिब का मुतालियाती दौरा करवाया और इसी रोज बरवक्त शाम जंक्शनाबाद और मार्टिनपुर में वाकिया भट्टा जात पर जाकर मिस हुमा यूनस ने उन पर काम करने वाले मसीही मजदूरों से मुलाकातें करके उनके हालात जिंदगी मालूम किए और उन्हें फीकस अंजील मुकद्दस बतौर तोहफा में दी। अगले रोज ट्रस्ट की जानिब से गाँव हेड बल्लोकी में मुनक़दा तकरीब में शरीक मसीही अफराद में भी मिस हुमा यूनस ने अंजील मुकद्दस बतौर तोहफा तकसीम की। यूं 148 अंजील मुकद्दस तकसीम की गई। इन तकरीबात में बिलखसूस जंक्शनाबाद और मार्टिनपुर अनगिनत अफराद ने भरपूर शिरकत की, जिनकी ट्रस्ट की जानिब से खातिर तवाजा भी की गई, जबकि इस्लामाबाद से अकलीत समाजी रहनमा सलामत ज़िया खोखर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इन तकरीबात में शरीक कारों ने पाकिस्तान में गरीब और मुस्तहिक मसीही खवातीन की फलाह बहबूद के लिए खिदमात अंजाम देने के बायस मिस हुमा यूनस को खराज तहसीन पेश किया और उन्हें अपने तआवुन की यकीन दहानी भी करवाई।